18 मास प्रणाम दोस्तों। बैसाख यानी भरपूर उल्लास और मिठास से भरा 12 मास का एक खास महीना, थोला मेलों का महीना, जिसका इस पर्वतीय राज्य और देवभूमि में अपना अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। चाहे किसी को कोई अन्य विशेष तिथि याद रहे ना रहे, थौल मेलों का दिन बार कभी भी कोई नहीं भूलता। भूलना भी असंभव है, क्योंकि मेले इस देवधरा पर त्योहारों की श्रेणी में आते हैं। परंपरागत गते के आधार पर थौल मेलों का दिन बार निर्धारित व निश्चित रहता है। एक महीने पहले चैत से ही वैसाख आगमन व थौल मेलों की उत्सुकता दौड़ने लगती है। दूर देशों व प्रदेशों में रह रहे अथवा कार्य कर रहे निवास व प्रवासी जन भी इन दिनों की आस लगाए रखते हैं और गांव क्षेत्र के थौल मेले में पहुंचने का यथासंभव प्रयास करते हैं। दोस्तों, हर जगह के थौलों के पीछे एक ऐतिहासिक मान्यता व कथा होती है, जो मुख्यतः उस ग्राम अथवा क्षेत्र के देवी देवताओं पर आधारित होती है। इसीलिए अधिकांश थौलों पौराणिक धार्मिक स्थलों के इर्द गिर्द ही संपन्न होता है। थौल शब्द का आशय ही प्राचीन वाद्य यंत्रों व लोकगीत गाथाओं के साथ देवी देवताओं के नौ निशान व डोली के नृत्य संग आमंत्रण, उनके दर्शन और जस कुशल की प्राप्ति से है। लेकिन इसके साथ एक दिन के लिए यहाँ तरह तरह की दुकानें भी लगती है, खेल मनोरंजन के आयोजन भी होते हैं, तो खरीदारी भी जोरों से होती है और मनोरंजन भी। समय के साथ साथ इस दिन को और भी बेहतर मनोरंजक व रोचक बनाने के लिए कुछ और प्रथाएं भी चलन में आती रहती हैं। भाई बंधुओं, यार दोस्तों, नाते रिश्तेदारों से मिलना जुलना भी होता है। बच्चों के लिए तो यह सब कुछ बुलाकर बस मस्ती में खो जाने जैसा होता है। वास्तव में इस एक दिन के नज़ारे के सामने शहर का बाजार भी फीका पड़ जाता है। इस वजह से यहाँ थौल शब्द के साथ मेला शब्द भी जुड़ जाता है और बन जाता है थौला मेला, जिसका जिक्र इतिहास से ही लोकगीतों गाथाओं और कथाओं में होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। तो दोस्तों, यह संस्कृति, यह परंपरा, यह महीना और ये दिन हमारा गौरव है और हमें इस पर गर्व है। आशा करते हैं कि आप यदि गांव में नहीं हैं और जहां भी होंगे, यथासंभव प्रयास करके थौला मेलों में जरूर गांव जाओगे और वहां के किस्से, कहानी व इतिहास की बातें हमें जरूर बताओगे। हमें इसी वीडियो पर कमेंट करके अपने गांव व क्षेत्र के थौला मेलों का दिन बार गते के अनुसार जरूर बताइएगा। हम इसी तरह उत्तराखंड के कुछ छुए अनछुए पहलुओं के साथ वीडियो लेकर आते रहेंगे। बैसाख और थौला मेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं 12 मास प्रणाम।